तो मध्य प्रदेश में जारी सियासी नाटक के बीच अब दोनों तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कोई सिंधिया के फैसले को गलत बता रहा है तो कोई सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहा है। हार जीत तो होते ही रहते, फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में उनको टिकट भी दिए थे कि तुम लोकसभा में तो एमपी नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में एमपी बन के रहो, ये भी कांग्रेस उनको मौका दिया था। फिर भी उनको नहीं पुसाता है क्योंकि मोदी जी उनको कह दिया कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे, तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज्यादा लाभवान होगी हो, इसलिए बस मुझे लगता है ऐसा। आज तक तो हम सब जानते हैं कि सिंधिया जी की परिवार से ही मतलब बीजेपी पार्टी की आज से ताल्लुकात नहीं है, दशकों पुरानी ताल्लुकात है, तो उसी विरासत के थोड़ा हटकर सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे, राजा का बेटा है, ऑक्सफोर्ड वाले मतलब हार्वर्ड वाले हैं, हम भी उनको जितना सम्मान देना चाहिए था हमारे पार्टी दिए थे, लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में वो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रजा बनना पड़ेगा। पार्टी के संगठक मध्य प्रदेश के आशुतोष तिवारी उस चार्टर फ्लाइट में क्यों बैठे थे, हमारे पास सारे प्रमाण हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये भी जानकारी है और प्रमाण है कि कल जो तीन चार्टर गए थे बेंगलोर, उन तीनों चार्टर को भारतीय जनता पार्टी ने ही व्यवस्था की थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में बेंगलोर का ही क्यों उपयोग किया जाता है, वहां पर बेंगलोर की सरकार क्यों उनकी सुरक्षा में लगाई जाती है, पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है। और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ज्योतिरादित्य जी को अपमानित किया,